नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। डेंगू मरीजों को लेकर के हाईकोर्ट की दिखी नाराजगी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भी इस पर नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट की बेंच ने नगर निगम से सवाल भी किए हैं। हाईकोर्ट ने नगर निगम को दिया 48 घंटे का समय, 21 अक्टूबर को देना होगा नगर निगम को जवाब। प्लाज्मा उपलब्धता पर सरकार से भी पूछा सवाल। मैन पावर और मशीनें मुहैया कराने के दिए निर्देश। हाईकोर्ट की बेंच ने नगर निगम से सवाल किए हैं। 1 खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड दानिश वारसी जुड़ गए। दानिश, क्या कुछ जानकारी मिलकर आ पा रही है, क्या कुछ अपडेट है डेंगू मरीजों को लेकर के हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो एक प्रकोप मैं कह सकता हूँ कि कोरोना के बाद स्थिति जो सुधरने लगी, तब मलेरिया और डेंगू और उसके बाद टाइफाइड जैसी समस्याएं हैं, जो बीमारी है, जो बीमारी हमेशा मतलब हमेशा रहती थी सीजन टू सीजन में। लेकिन जो डेंगू की बात की जा रही है, तो डेंगू के लेकर के ये हाईकोर्ट ने नाराजगी इस बात पर जताई है कि डेंगू को लेकर के क्या इंतजाम उनके पास है, क्या डेंगू के सैंपल के लिए वहां पर लैब है, या डेंगू के सैंपल के लिए कोई डॉक्टर है, या डेंगू के लेकर उन्होंने क्या व्यवस्थाएं की। क्योंकि अक्सर डेंगू के जो मरीज हैं उनमें लापरवाही देखने को मिल रही है, उनका ट्रीटमेंट सही से नहीं हो पा रहा, अस्पतालों में डेंगू को लेकर के डॉक्टर घबरा रहे हैं, उनको एडमिट नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस मामलों को लेकर के हाईकोर्ट नाराजगी जताई है, क्योंकि हाईकोर्ट को जब भी, क्योंकि हाईकोर्ट के पास एक अपना स्वतः पावर है 490 धारा का, हाईकोर्ट अपने स्वतः पावर से संज्ञान ले सकता है और उसके पास इस चीज की भी मतलब मैं कह सकता हूँ स्वतंत्रता है कि वो किसी भी मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। तो हाईकोर्ट जब कभी हस्तक्षेप करता है तो सरकार की लापरवाही या सरकार के झुलमुल रवैये से करता है। जब हाईकोर्ट को मजबूरन करना पड़ता है तो हाईकोर्ट के इस हस्तक्षेप से मुझे लगता है जो हाईकोर्ट ने निर्देश किया है, तो इसको लेकर के कहीं की बात साफ हो गई है कि उत्तर प्रदेश में जो ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम भी है और स्वास्थ्य के मंत्रालय भी उनके पास है, मुझे लगता है कि हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब ये बात साफ हो चुकी है कि लापरवाही देखने को बराबर मिल रही है। ना तो मुख्यमंत्री का कोई बात का असर हो रहा है, ना ब्रजेश पाठक के दौरों का कोई असर पड़ा है। इसलिए हाईकोर्ट ने साफ साफ बोला है कि डेंगू के मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं करी जाएगी और इस बात की पूरी पुष्टि करे, जवाब दे, क्या तैयारियां हैं, क्या लेकर इंतजाम है और डेंगू में किस प्रकार से व्यवस्था रखेंगे। बिल्कुल, हाईकोर्ट ने नगर निगम को भी 48 घंटे का समय दिया है। 21 अक्टूबर को नगर निगम से जवाब भी मांगा है हाईकोर्ट ने। प्लाज्मा उपलब्धता पर सरकार से भी सवाल पूछा है। नहीं देखिए, प्लाज्मा को लेकर के तो हाईकोर्ट ने साफ साफ जो निर्देश किए हुए हैं कि प्लाज्मा ही से, देखिए मेन जो डेंगू का प्लाज्मा होता है उसी से ही ट्रीटमेंट होता है, तो इसको लेकर के हाईकोर्ट ने ये बात कही है कि क्या इंतजाम किए गए हैं और सारी चीजें कि इसके प्लाज्मा को लेकर तुमने स्ट्रिक्ट आदेश किया है। हाईकोर्ट जब कोई आदेश देता है तो उस आदेश के पीछे दो रीजन होते हैं, या तो विभाग सही से काम नहीं कर रहा है, या फिर सरकारें सही से सुन नहीं रही है, या फिर मरीजों को लेकर के कोई चिंतित नहीं है, तब हाईकोर्ट चिंतित होता है। हाईकोर्ट कानून व्यवस्था पर ही केवल चिंतित नहीं हो सकता है, तमाम जुड़ी हुई इंसान से जुड़ी हुई तमाम चीजें हैं जिनमें हाईकोर्ट संज्ञान ले सकता है। तो हाईकोर्ट का संज्ञान लेना दर्शा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के विभाग में मुझे लगता नहीं कोई शक्ति है और ना ही इसका असर धरातल पर दिख रहा है, डेंगू को लेकर के हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा है। अब हाईकोर्ट के आदेश का कितना पालन होता है ये आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दानिश, बने रहिए हमारे साथ, फिर आपके पास लौटेंगे। एमपीएमएलए कोर्ट में पेशी पर आए अतीक अहमद ने लखनऊ में कहा योगी आदित्यनाथ ईमानदार और बहादुर मुख्यमंत्री हैं। बता दें कि अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल में इस वक्त बंद हैं। कल रात को उन्हें लखनऊ लाया गया था पेशी के लिए, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बहादुर कहा है और ईमानदार मुख्यमंत्री बताया है। कल अतीक अहमद को लखनऊ लाया गया था पेशी के लिए, एमपीएमएलए कोर्ट में पेश होने वाले हैं, पेश किया गया है, माफ करिएगा। उसके बाद उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की है, उन्हें कहा है कि वो एक ईमानदार और बहादुर मुख्यमंत्री हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड दानिश वारसी जुड़ गए। दानिश, क्या कुछ जानकारी मिलकर आ पा रही है? अतीक अहमद ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है, उन्हें ईमानदार और बहादुर मुख्यमंत्री बताया है।
देखिए अतीक अहमद को पेशी पे लखनऊ लाया गया था और अतीक अहमद चूंकि एक बाहुबली भी हैं और इनके ऊपर आपराधिक मुकदमे कई ज्यादा हैं, तो सरकार इसको लेकर के गंभीर है और उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ साफ ये बोला है कि माफिया राज का पहले तो खात्मा होगा, चाहे वो माफिया किसी भी टाइप का हो, भू माफिया हो, गुंडा माफिया हो, जो भी है उस टाइप का यहाँ से खात्मा होगा और कानून का राज किया जाएगा। राम राज्य की स्थापना को लेकर के जो इन्होंने संकल्प लिया है उस संकल्प के तहत ये कार्रवाई चल रही है, जिसको लेकर के हाईकोर्ट में इसकी पेशी थी और हाईकोर्ट में पेशी पर ये बुलाए गए थे क्योंकि आरोप शायद इन पे सिद्ध हो गए सीबीआई कोर्ट में, और जिसको लेकर के जब ये पेशी से बाहर निकल रहे थे तो अतीक अहमद ने एक बहुत ही चौंकाने वाली या चंबित बात बोली है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ वो बहादुर के साथ साथ ईमानदार भी हैं, इसके पीछे का जो रीजन है वो समझ में नहीं आ रहा है कि एक माफिया के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई से उत्पीड़न की जगह पर वो उनकी तारीफ कर रहे हैं। इस तारीफ के भी कई मायने हैं और इन मायनों को समझना थोड़ा मुश्किल ही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो अतीक अहमद जब लखनऊ पेशी पर लाए गए इन्होंने जब मुख्यमंत्री की दो तारीफें की, एक तो बहादुर के पीछे रीजन क्या है, दूसरा ईमानदार, क्या ये कहने के लिए किसी माफिया की के शब्द होने चाहिए थे या उनको अपनी गाथा बतानी चाहिए थी कि उनके ऊपर क्या रहा, लेकिन उन्होंने आदित्यनाथ की तारीफ की है, सीएम की तारीफ की है, उनके कार्य की तारीफ की है, उनकी ईमानदारी की तारीफ की है और बहादुर बताया है, तो क्या इसके ये समझा जाए कि सीएम आदित्यनाथ भी निसंकोच कार्रवाई कर रहे हैं, या ऐसा माना जाए कि किसी सरकार में उन पर कार्रवाई नहीं होती इसलिए वो बहादुर है, या किसी और सरकार ने उन पर कार्रवाई नहीं की इसलिए वो बहादुर है, इसको लेकर के आगे तेजी जो कहा है ये दो मायने हो सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुख्यमंत्री रहे शायद उन पर वो कार्रवाई नहीं कर सके इसलिए वो बहादुर नहीं थे, और अतीक अहमद के ऊपर जो योगी आदित्यनाथ ने शिकंजा कसा कार्रवाई करी तो मुझे लगता है इसलिए वो बहादुर माने जा रहे हैं, और दूसरा ईमानदार का मतलब ये भी हो सकता है कि वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, यानी उनका सिंडिकेट जो है वो कहीं काम नहीं आ पा रहा है। बिल्कुल शुक्रिया आपका दानिश ज्यादा जानकारी के लिए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पटाखों को लेकर के निर्देश जारी किए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में गाइडलाइंस बनाई गई हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा है कि अधिक आवाज वाले पटाखों का प्रयोग न करें, साथ ही शांत क्षेत्रों में विस्फोट न करें, बच्चों को प्रदूषण रहित दिवाली के लिए प्रेरित करें। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा है कि केवल हरित पटाखों का प्रयोग करें। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने साफ कहा है कि खाली स्थानों में पटाखे न फोड़ें, पटाखे न जलाएं और दिवाली को शांति के साथ मनाएं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो है दानिश वारसी जुड़ गए। दानिश, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा है कि अधिक आवाज वाले पटाखों का प्रयोग न करें, शांत क्षेत्रों में विस्फोट न करें। लग रहा है हमारी आवाज हमारे संवाददाता तक नहीं पहुंच पा रही है, हम अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। सहकारी बैंक में हेराफेरी की होगी त्रिस्तरीय जांच, साइबर क्राइम टीम और बैंक के स्तर से जांच जारी है। सरकार ने विशेष सचिव की अध्यक्षता में बनाई है कमेटी, 146 करोड़ रुपए हेराफेरी मामले की हो रही है जांच। अभी तक 10 अफसरों कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में सहकारी बैंक में हेराफेरी की त्रिस्तरीय जांच की जा रही है, साइबर क्राइम टीम और बैंक के स्तर से ये जांच हो रही है। 146 करोड़ रुपए की हेराफेरी का ये पूरा मामला है। सरकार ने विशेष सचिव की अध्यक्षता में यह जांच बैठाई है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सहकारी बैंक में हेराफेरी की त्रिस्तरीय जांच की जा रही है, 146 करोड़ रुपए हेराफेरी मामले की यह जांच हो रही है। 10 अफसरों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है इस मामले में।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि लोगों को स्वच्छ हवा में सांस लेने दें और अपना पैसा मिठाई पर खर्च करें। ये याचिका बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दायर की थी, जिसको शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया है। पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध को चुनौती देने वाली एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इसके पीछे हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पटाखों में संबंधित मुद्दों को पेंडेंसी का हवाला दिया था। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।